हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज चैनल। इस समय हम समीर वानखेड़े जी के साथ हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडिशनल कमिश्नर हैं। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज चैनल। आज नारकोटिक्स दिवस पर आपको इनवाइट किया गया है। जो विनती करने के लिए सैनिक फेडरेशन वर्धापन दिन सोहळा कांग्रेस भवन या साइडला होता है, उनमें दिन है और इस दिन के निमित्त हम लोग ने शपथ भी ली है। जो एक सर्विस मैन है, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए, तो आज के दिन से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। एक अलग दुश्मन छोटे ड्रग्स हमारे देश में दुश्मन हो सकते हैं। सर, हमने देखा है कि आपको काफ़ी, हमने न्यूज़ में देखा है कि ड्रग्स के खिलाफ आपने काफ़ी सारे एक्शन किए और काफ़ी सारे यूथ को आपने उस जंगल से निकाला है, लेकिन हम आज मुंबई सिटी में देखते हैं एक तरफ एफ्लुएंट लोग अच्छी एजुकेशन के पीछे अपना करियर बना रहे हैं, लेकिन एक तरफ ऐसा तबका भी है जो ड्रग्स की लत में बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे यूथ को आप कैसे हैंडल करते हो और ऐसे यूथ के फैमिली के लिए आप एक पॉजिटिव मैसेज क्या देना है? पहले तो जो फैमिली है, जो ड्रग्स में जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, उनके फैमिली के लिए मेरा एक मैसेज है कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। जो सिम्टम्स होते हैं ड्रग रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, उन पर ध्यान दें। इसके अलावा भी बच्चे को थोड़ा प्रेरित करें कि अपना टाइम ड्रग से ज़्यादा देश की डेवलपमेंट के लिए ज़ाया करें, देश के डेवलपमेंट के लिए अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। सेकेंडली मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उनको कभी भी लगता है कि बच्चे अगर ड्रग्स में जा रहे हैं, तो 24/7 NCB की हॉटलाइन ऑन है हमारी, तो हमें संपर्क करें, इंटरनेट पर हमारा नंबर देखें, उसके अलावा हमारे मेल करें, क्योंकि अगर कोई पेडलर है उसके खिलाफ निवारण करना है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। इसके अलावा भी अगर उनको रिहाब में जाना है, रिहेबिलिटेशन करना है, तो काफ़ी NGOs हमारे साथ टच में है, तो वी कैन ऑल्सो हेल्प देम आउट। उसके अलावा भी हम लोग टारगेटेड एरियाज में हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स को भी साथ में ले रहे हैं, कोई भी तबके के समाज के लोग वहाँ पर भी जाके हम लोग जो रिलीजियस प्लेसेस यूज़ करते हैं उसके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं, जो लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी रिलीजियस लीडर्स की भी हेल्प ले रहे हैं, ताकि ड्रग्स के खिलाफ में वो भी श्रद्धालु को लोगों को बोले, पब्लिक को बोले। कैप्टन अनूज नैयर के बारे में बताना था, ये देश के रियल हीरो हैं, बाकी के लोग हीरो नहीं हैं, ये देश के रियल हीरो। तो माँ को उनकी कहानियाँ सुनाना है कि इनसे प्रेरित करना है। थैंक यू वेरी मच। मैंने को काफ़ी सक्सेसफुल किया, आप हमारे संगी के माध्यम से उन्हें क्या कहना चाहते हैं? समीर वानखेड़े जी, एडिशनल कमिश्नर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, आज महाराष्ट्र का सम्मान अवार्ड 2021 गवर्नर की तरफ से सम्मान दिया गया। ये महाराष्ट्र के आइकॉन है और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे पास महाराष्ट्र में ऐसे एक यूर बहुत ज़्यादा जाबाज ऑफिसर है, जो आज हमारे पास महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए है। आई विश समीर वानखेड़े साहब ऑल द बेस्ट, और जहाँ भी हमारे एक्स आर्मी, एक्स नेवी, एक्स एयरफोर्स सैनिक फेडरेशन की तरफ से मैं आप उनको एक रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ भी हमें सैनिकों की हेल्प लगेगी, हम बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के इस नारकोटिक्स को इस देश से बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सैनिक फेडरेशन च्या वतीने सर्वांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी महाराष्ट्र के कांग्रेस सरकारकडे यायचं आहे, की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। कुछ याद